स्वागत है हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग लैब टेस्टिंग। गाइज आज हम बात करेंगे मार्शल स्टेबिलिटी बैक कैलकुलेशन के बारे में। तो ये DVM का गाइज मार्शल का बैक कैलकुलेशन मैं बना रहा हूँ और अभी आप वीडियो में बने रहिए। और क्या है गाइज कि अगर मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो इसीलिए प्लीज़ स्किप ना करें और बिल्कुल एकदम आराम से ध्यान दे के वीडियो को देखें। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 90% लोगों को एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख लीजिए, ये जो होता है वो अपन को लिखना होता है। जैसे यहाँ पे जैसे बिटमिन है, ठीक है, ये अपना जो रिपोर्ट में आएगा वो लिखना होता है। उसके बाद में GMM है जो अपना रिपोर्ट में रहेगा वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे जो अटैचमेंट लगेगा उसके हिसाब से। ठीक है गाइस, उसके बाद बात करते हैं GSB, वो अपना एस पे डिज़ाइन में लिखा रहता है, वो यहाँ नोट करना है क्योंकि इसी से अपना VM में आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रोइंग रिंग करेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो प्रोइंग रिंग फैक्टर यहाँ डालना है अपन को, जो होता है हर एक जगह अलग होता है। हमारे यहाँ पे 5.847 है। ठीक है गाइस, तो अभी देखिए, सबसे पहले तो अपन को सीरियल नंबर, जैसे अपन 1 सेट बना रहे हैं, वैसे तो आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मिनिमम 2 सेट बनाने होते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसीलिए 1 सेट ही बना के आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट में अपन को क्या करना है, सीरियल नंबर डाल दिया, फिर परसेंटेज ऑफ बिटमिन, जो अपना बिटमिन आया है जितना अपना रिपोर्ट में है, जो इसके पीछे अटैच करेंगे उसमें से देख के डालना है कि एवरेज बिटमिन कितना है, वो डाल दें यहाँ। जैसे हमारे यहाँ 4.54 है तो यहाँ 4.54 डाल दिया। ठीक है गाइस, उसके बाद अभी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एज़ पर मोर सेक्शन 500 के हिसाब से गाइस, अगर अपना DVM ग्रेड 2 है तो मिनिमम अपना 4.5 होना चाहिए, और अगर अपना ग्रेड 1 है तो 4% बिटमिन होना चाहिए। तो अपना ग्रेड 2 है तो 4.54% यूज़ कर रहे हैं एज़ पर डिज़ाइन में जो है। ठीक है, क्योंकि 4.5 मिनिमम है तो उसके ऊपर होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अब आरी आती है यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ परसेंटेज, 100 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद सीरियल नंबर अपन को लिख लेना है 1, 2, 3, वेट इन एयर, मार्शल का कितना पे आपका डिजाइन है गाइस वो लिखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ 1200 ले हूं, तो आप भी 1200 लो। अगर आपका मतलब ग्रेड 1 है तो यहाँ पे 4 kg का लमसम रहता है वेट, वो भी यहाँ नोट कर सकते हो इसी हिसाब, मतलब आपको समझना ही रटना नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, जैसे हमारे यहाँ डिज़ाइन 1200 के हिसाब से है तो 1200 ग्राम के हिसाब से मैंने ले लिया है, 1-2 ग्राम कम करके। ठीक है, उसके बाद SST ग्राम, तो इसमें से 10 ग्राम बढ़ा के यहाँ नोट कर लिया मैंने। जैसे 1210 यहाँ कर दिया, फिर यहाँ 8 बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे 6 बढ़ा दिया। ठीक है, 6 और 8 बढ़ा दिया, सॉरी। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको SST वेट, इनसे जो एयर वेट होता है, इससे 10 ग्राम से 0 से 10 ग्राम के बीच में बढ़ा सकते हैं अपन, मतलब 5 से 10 ग्राम। उसके बाद आपको क्या करना है, GMM नोट करना है। ठीक है, और ये फिर कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला इधर स्टेबिलिटी KG में कैसे निकालना है। तो चलिए पहले अपन VMA, VA और VAB निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, अपन को VA सेट करने के लिए, जैसे अपन का 3.55 पे डिजाइन है तो मैं 3.55 पे सेट करूँगा VA, तो थोड़ा बहुत मतलब टॉलरेंस आएगा। एग्जिट भी बना सकता हूँ मैं, उसमें क्या रहेगा, ये वेट थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा और एग्जिट भी आएगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, जैसे VA अपन को 3.55 पे बनाना है तो अपन को डेंसिटी सेट करना पड़ेगा कि इतना डेंसिटी रहेगा तो अपना VA जो एयरवर्स है वो 3.55 आएगा। तो उसके लिए मैं एक खुद अपने हिसाब से मेरे खुद का एक फॉर्मूला बनाया हूँ, एक बार आप देख लीजिए। जैसे अपन को 3.55 VM में रखना है, सॉरी VA रखना है, तो जितना रखना है उसमें भाग देना है 100 का, ये आ जाएगा। फिर गुणा करना है GMM कितना है, 2.558 × 2.558, ये आ गया। फिर ये आने के बाद माइनस करना है फिर से GMM में, ठीक है, कितना है, -2.558, तो अपना क्या आ गया, डेंसिटी 2.467 डेंसिटी रहेगा अगर अपना, तो VA 3.55 आएगा। अब क्या करना है गाइस, डेंसिटी रख के वो अपन वॉल्यूम निकालेंगे, जिससे क्या है ना, बाद में सीधा कैलकुलेशन करेंगे तो वेरिएशन नहीं आएगा। तो पहले अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके बाद डेंसिटी निकाल के फिर सीधा कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे 1200 है, 1200 डिवाइड बाई 2.467 अपना डिजाइन में ये डेंसिटी आया था अभी, तो अपना बराबर करेंगे तो 486 आ जाएगा। 486 अपना क्या हो गया, ठीक है, इसी हिसाब से तीनों का करना है 2.467, सेम रखना है क्योंकि
चेंज तो बाद में आ ही जाएगा, वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा वैसे भी। 1196 डिवाइड बाई 2.467 485। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वापस वही डेंसिटी निकालना है। आपको तो पता ही है मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। जैसे 1200 मोल्ड का वेट है तो डिवाइड बाई वॉल्यूम 486 से करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगा 2.469। ठीक है, फिर जैसे 1198 डिवाइड बाई 486 सेकेंड पे है, ठीक है, 2.465 आ गया गाइस। फिर से वही करना है 1196 डिवाइड बाई 485 2.466। अब इसका एवरेज निकालना है, तीनों को प्लस करके भाग तीन का देना है। 2.469 प्लस 2.465 प्लस 2.466 भाग 3 2.467 आ गया गाइस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, VA में निकालना है। सॉरी, VA यहाँ पे दिया है, हर जगह फॉर्मेट में VA आगे रहेगा। ठीक है, तो वो VA कहीं पर भी रहे आपको फॉर्मूला वही लगाना है। VA का कैसे करना है, जैसे VA निकालने का फॉर्मूला सुन लीजिए। GMM 2.558 माइनस डेंसिटी कितना, एवरेज 2.467 बराबर करेंगे, ये आ जाएगा। फिर डिवाइड करना है अपन को वापस GMM में 2.558, फिर परसेंटेज लगाना है तो 3.557 है तो 6 हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा गाइस, चलेगा इतना। तो यहाँ नोट करेंगे 3.56। ओके, अभी हम निकालेंगे VMA। VMA का फॉर्मूला क्या है गाइस, देख लीजिए एक बार। 100 माइनस क्या है, बिटवीन कंटेंट 4.54 बराबर करेंगे तो 95.46 आएगा। वो यहाँ नोट करना है परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट में 95.46। फिर इंटू करना है गाइस, इंटू करना है किस में, डेंसिटी एवरेज ये वाला। ठीक है, तो ये अपना जो आया इसमें इंटू करेंगे 2.467 बराबर करेंगे, ये आ जाएगा। डिवाइड करना है GSB से 2.733 ये आ गया। फिर माइनस शो करना है 13.83 यहाँ नोट करेंगे VMA। ठीक है गाइस, अभी देखिए, थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो रहा है गाइस इसलिए। ठीक है, अभी देखिए VFB। ठीक है, वर्ड्स फिल्ड विथ बिटमिन, इसका फॉर्मूला क्या है सुन लीजिए एक बार। VMA माइनस VA बट VMA इंटू 100, तो 13.83 VMA माइनस VA करेंगे 3.56। देख लीजिए एक बार, कैमरे में आया नहीं था, वापस बता देता हूँ। 13.83 माइनस कितना है 3.56 VMA माइनस VA, फिर वापस भाग VMA करेंगे 13.83 इंटू 100 74.26 ये हो गया। उसके बाद अपन को ये निकालना है वेट इन वाटर, कैसे निकालना है, 1210 माइनस, जैसे ये SSD वेट माइनस वॉल्यूम करेंगे तो वाटर वेट आ जाएगा, 1210 माइनस 486। ठीक है, 724 आ गया। ऐसे ही मैं सबका निकाल लेता हूँ। देखिए गाइस, ये अपना यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बच्चा ओनली स्टेबिलिटी KG में निकालने के लिए। तो पहले आपको मैं इनका मतलब समझा देता हूँ। VMA का मतलब होता है वर्ड्स इन मिनरल एग्रीगेट। ठीक है गाइस, ये अपना होता है, वो होता है VA के ऊपर। जैसे VA अपना 3.3% है तो ये ग्रेड 2 में 11 रहेगा, और VA अपना 4% है तो ये 12 रहेगा मिनिमम, और VA अगर 5% है तो ये 13 रहेगा। VA का जो लिमिट होता है वो 3 से 5 के बीच में रहता है, और VAB का जो लिमिट होता है वो 65 से 75 रहता है। ठीक है गाइस, अभी आपको ये मेजरमेंट डिवीज़न जो अपना स्टेबिलिटी आता है गाइस, वो डिवीज़न में आता है, तो उसको केजी में कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको निकालना आना चाहिए कि अपन को कितना रखना है। मैं मन से बता दूंगा अभी आपको कि जैसे 160 के ऊपर से रखेंगे तो 900 केजी से ऊपर आएगा, अपन को 900 केजी मिनिमम चाहिए। लेकिन वो 900 केजी अगर अपन को रखना है तो यहाँ कितना आएगा वो बैक से भी निकालना आना चाहिए। तो देख लीजिए, पहले तो अपन को क्या करना है, ये वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर ऑफ मोल्ड का जो वॉल्यूम रहेगा वो लिखना पड़ेगा। तो अगर अपना वॉल्यूम 471 से मतलब 471 471 से 482 के बीच में है गाइस, तो अपन को क्या करना है,
1.14 का जो करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर 483 से 495 रहेगा तो अपना वॉल्यूम जो रहेगा वो 1.09 रहेगा, और 496 से 508 के बीच में रहेगा तो 1.04 रहेगा। तो अपना अभी जैसे 486 है तो किसके बीच में आ रहा है, 483 टू 495 1.09, तो अपन यहाँ नोट करेंगे 1.09, फिर सेकेंड वाला में भी वही रहेगा 1.09, और थर्ड वाला में भी वही रहेगा 1.09। अभी देखिए जैसे जैसे मुझे 950 स्टेबिलिटी रखना है केजी में, तो भाग देना है क्योंकि सीधा करते हैं तब इनटू करते हैं तो बैक आएंगे तो भाग करना है। 950 भाग करेक्शन फैक्टर 5.847 इनटू की जगह वापस भाग करना है गाइस, कितना 1.09 149 अगर अपन रखेंगे गाइस तो अपना 950 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन मन से जैसे अपना 150 से ऊपर पकड़ लिया, 160 पकड़ लिया, फिर यहाँ 165 166 पकड़ लिया, ठीक है ऐसे ही सब पकड़ लेना, फिर वापस वही सीधा कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे, जैसे 160 है, 160 इंटू 1.09 इंटू 5.847, 160 इंटू करेक्शन फैक्टर 1.09 इंटू 5.847 बराबर करेंगे तो 1020 आएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ नोट करेंगे, ऐसे ही मैं इन तीनों का निकाल लेता हूँ। देखिए गाइस तीनों का मैंने निकाल लिया, फिर एवरेज तीनों को प्लस करके भाग का 3 दिया, तीनों में मतलब भाग दे दिया 3 का, तो फिर अपना 1039 आ गया। फॉलो क्या करना है गाइस, जैसे 204 का लिमिट है अपना, ठीक है, और अपना जो डिज़ाइन में आया जैसे उस हिसाब से रखना है। जैसे मैं यहाँ हाईएस्ट अपना ये है तो यहाँ 3.0 कर लेता हूँ, फिर अपना यहाँ 3.4 कर लेता हूँ, तो सेकंड नंबर में सबसे कम इसमें आया तो इसमें फ्लो बढ़ा देता हूँ। इस हिसाब से फ्लो मन से लिख लेना है, फिर वापस वही एवरेज निकाल लेना है। कैसे, 3.8 प्लस 3 प्लस 3.4 भाग 3.4 आएगा गाइस, यहाँ नोट कर लेंगे। और इसी हिसाब से आपको पूरा मार्शल का रिपोर्ट बनाना है गाइस। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएँ, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टेस्ट पे बनाना है, किस कैलकुलेशन पे बनाना है गाइस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।